साथियों, मैं वीरभद्र सीसरा मुनियाल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। और आज मैं कवर कर रहा हूं नरेंद्र मोदी जी की रैली जो कि दिल्ली में करतार नगर में हो रही है। यहां पर व्यापक सुरक्षा के प्रबंध हैं और पब्लिक जनमानस उमड़ उमड़ कर हजारों की संख्या में पंडाल में पहुंचा हुआ है। इसमें क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, हर धर्म के लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और हर तबके के लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हर एक के मन में अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखने की उत्सुकता उनके मन के अंदर छाई हुई है और वो उनके आने का समय साढ़े छः बजे है और 6:30 बजे वो से पहले वो पहुंच जाएंगे और फिर सभा को, जनसभा को संबोधित करेंगे। मैंने पहली बार देख रहा हूं कि लोगों के मन में किस तरह से नरेंद्र मोदी जी के लिए सम्मान है और किस तरह से वो बिना बुलाए, बिना किसी प्रचार के लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में यहां पहुंचे हैं। और बुजुर्गों में भी बहुत जोश है, वो कुर्सियों कर के ऊपर खड़े होकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक झलक देखना चाहते हैं। और मुझे जो इस कार्यक्रम में एक कमी देखी है, दिखाई दी, वो ये थी कि हमारे जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो VIP लाउंज में बैठे हुए थे, परंतु पीछे पब्लिक में उनका कोई सहयोग दिखाई नहीं दे रहा था। और अधिकतर लोग, जितने लोग पंडाल के अंदर थे उतने ही पंडाल से बाहर भी थे और वो अलग अलग YouTube चैनल को अपना इंटरव्यू दे रहे थे। बेहतर होता कि वो नरेंद्र मोदी जी की सभा में अपनी व्यवस्था में योगदान करते और अपना सहयोग करते उसके अंदर, परंतु वो सभी के सभी वो सड़कों के किनारे मजमा लगाकर यूट्यूबर्स को अपना इंटरव्यू दे रहे थे और व्यवस्था में उनका योगदान मुझे नगण्य दिखाई दिया। यही एक कमी मुझे इस कार्यक्रम में दिखाई दी। बाकी पब्लिक के अंदर पूरा जोश था और सबकी सबको एक ही उनके नारा उनको सबके समझ में आ रहा था कि दिल्ली की सातों के सातों सीटें जो है लोकसभा की वो BJP के पक्ष में था, जनमानस पूरा BJP के साथ में है। यहाँ पर हिंदू भी दिखाई दिए, सिख भी दिखाई दिए, मुस्लिम भी दिखाई दिए और हर तरह की पब्लिक यहाँ पर दिखाई दी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी कवरेज सही लगी होगी और आप मेरे YouTube चैनल वीरभद्र सीसरा मुनियाल को पसंद करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। वीरभद्र सीसरा मुनियाल।